शिक्षा जो प्राइमरी की शिक्षा है उसे बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि समस्त अधिकारियों कर्मचारियों नेताओं के बच्चों का परिषदीय विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 18 अगस्त 2015 को उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस संबंध में फैसला दिया। पिछले महीने इसी मांग को लेकर हम लोग 6 दिन तक अनशन पर बैठे थे, सरकार ने बात को नहीं माना। आज मैग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री संदीप पांडे जी इसी मांग को लेकर आज 6वां दिन है अनशन पर बैठे हुए हैं और हमें कहना यह है कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटा था और आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आजादी के बाद इस देश के नेताओं और नौकरशाहों ने अपने बच्चों के लिए खोला प्राइवेट स्कूल, जहां 5,000 से लेकर 50,000 रुपया प्रति महीने फीस जमा होती है, और हमारे बच्चों के लिए खोला प्राइमरी विद्यालय, जहां 200 बच्चे पढ़ते हैं, एक शिक्षा मित्र एक अध्यापक मिलकर पढ़ाते हैं और इतना पढ़ाते हैं कि प्राइमरी में पढ़ने वाले 5 पास 80% बच्चे अपना और अपने माता पिता का नाम नहीं लिख पाते। सरकार कहती है आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, हम आपके बच्चे को खाना कपड़ा कापी किताब स्कूल बैग छात्रवृत्ति सब कुछ देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं आपके बच्चे को पढ़ने किसी कीमत पर नहीं देंगे। और अगर गलती से किसी स्कूल के गुरुजी ने कहा नहीं मैं पढ़ाऊंगा तो सरकार कहेगी आओ, 6 महीना विधानसभा का चुनाव बचा है, सबसे पहले जाके मतदाता सूची सही कर लो, उससे फुर्सत मिल गई इलेक्शन आ गया वोटों की पोलिंग करा लो, उससे फुर्सत मिल गई इलेक्शन खत्म हो गया जाके काउंटिंग करा लो, जितने भी काम है अध्यापकों के सिर पे मरकर आज पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। भारत की एक कमेटी है असर कमेटी, ये रिपोर्ट दे रही है कि भारत के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले 54% बच्चे 5वीं के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जो बच जाते हैं उसमें से 23% बच्चे 8वीं और हाई स्कूल के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं और जो उसमें से बच जाते हैं 19% बच्चे इंटर के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं। बचे कितने? मात्र 4%। प्राइमरी में पढ़ता कौन है? गरीब का बच्चा, रिक्शा ठेला चलाने वाला, पान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, पंचर बनाने वाला, मनरेगा में मजदूरी करने वाला, इनके बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं और रेशियो ये है कि 96% बच्चे इंटर के पढ़ाई छोड़ देते हैं, मात्र 4% बच्चे इंटर के बाद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अंदाजा लगाइए सरकारी नौकरियों में हमारा और हमारे बच्चों का रेशियो कितना होगा। 1990 के पहले उत्तर प्रदेश की कल्पना कीजिए, भारत की कल्पना कीजिए, यकीन मान लीजिए हमारे चौधरी साहब के, खान साहब के, पठान साहब के, पंडित जी के, ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करने वाले का बच्चा, जो हलवाई करता था उसका बच्चा पढ़ लिख कर उसी प्राइमरी विद्यालय से डॉक्टर बन जाता था, मास्टर बन जाता था, वकील बन जाता था, यहां तक कि IAS और IPS की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पिता हमारे आपके खेतों में, जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे। ये गर्व की बात थी, लेकिन ये इस देश के नौकरशाह को, इस देश के नेताओं को हजम नहीं हुआ और उन्होंने षड्यंत्र रचा कि इन गरीबों के बच्चों को हर हाल में शिक्षा से वंचित करो, वरना ये हमारे बेटे बेटियों के समकक्ष खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए षड्यंत्र रचा कि प्राइमरी विद्यालय की स्थिति को दयनीय बना दो और अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल खुला दो, इनके बच्चे मजदूर बन जाएंगे और हमारे बच्चे उच्च पदों पर चले जाएंगे। इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इनको पढ़ाई से वंचित कर दो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा अगर ये पढ़ लिख के जागरूक हो जाएंगे तो सवाल करेंगे बिजली के बारे में, पानी के बारे में, अस्पताल के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछेंगे, विधायक निधि और सांसद निधि का इन्हें अनपढ़ रखो, अशिक्षित रखो, उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि ये जब अनपढ़ और अशिक्षित रहेंगे तो जात बिरादरी हिंदू मुसलमान अगले पीछे मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और जब चुनाव आएगा तो आंख बंद करके सूरदास की तरह से हमको वोट दे देंगे, हमारी दुकान शाम से चलती रहेगी। आज बड़े खुशियों की बात है कि 18 अगस्त 2015 को भारत के उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय के जस्टिस माननीय सुधीर अग्रवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक निर्णय दिया कि प्रदेश की जर्जर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि
की समस्त अधिकारियों कर्मचारियों नेताओं के बच्चों का, वो समस्त लोग जो सरकारी कोष से वेतन लेते हैं उनके बच्चों का परिषदीय विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार और इसके बाद में सरकार जज साहब ने कहा कि 6 महीने के अंदर इसकी अनुपालना की रिपोर्ट यानी 18 फरवरी को प्रदेश सरकार को अनुपालना की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करनी थी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। ये विडंबना है और मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूं इस सचिवालय में बैठे हुए लोगों से, विधानसभा के अंदर बैठे हुए नेताओं से, जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको सरकारी गाड़ी चाहिए, आपको सरकारी बंगला चाहिए, आपको सरकारी कार्यालय चाहिए, आपको सरकारी गनर चाहिए, आपको सरकारी नौकर चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालय से आखिर आपको एलर्जी क्यों है? अगर वाकई में, और ये मेरे पुलिस के भाई खड़े हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ और कड़वी सच्चाई कहना चाहता हूँ कि अगर रिश्वत का सहारा छोड़ दो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इंटर के बाद, आप अपने हाई स्कूल के बाद आप अपने बच्चे को किसी अच्छे सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं करा पाओगे। आपकी वेतन जितनी है वो मैं जानता हूँ। मित्रों, ये जरूरी है कि इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आपका एक बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, मिडिल क्लास के कॉन्वेंट स्कूल में, तो उसका एक साल का खर्च आएगा कम से कम 30,000। आपके दो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो 60,000 रुपए एक साल का। एलकेजी से लेकर हाई स्कूल तक अगर आपने कॉन्वेंट में पढ़ाया तो 12 साल 12 6 72 7 लाख 20 हजार रुपया। अगर वो 7 लाख 20 हजार खर्च ना होता, प्राइमरी की पढ़ाई बेहतर होती तो वो 7 लाख 20 हजार बचता। उससे आप अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, अपने बच्चे के लिए भवन का निर्माण कर सकते थे। अपने बच्चा अगर आपका पढ़ना नहीं चाहता था तो उसके लिए आप रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा सकते थे। आइए, समाज के समस्त लोगों, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम और आप मिलकर इस लड़ाई को लड़े। इसी गांधी प्रतिमा पर आप लोग ड्यूटी करते हैं, हर रोज सुबह से शाम तक देखते होंगे, हर रोज कोई ना कोई समस्या लेकर आता है, कोई अपने संगठन की समस्या, कोई शिक्षक है अपने अधिकारों के लिए, कोई जाति अधिकारों के लिए। लेकिन हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ना तो हमारे जात की है, ना तो हमारे धर्म की है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन समस्त 85% के लोगों की है जो आज लोग रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश सरकार कहती है हमने शिक्षा मुफ्त कर दिया, हमने दवाई मुफ्त कर दिया, हमने पढ़ाई मुफ्त कर दिया। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, अरे माननीय अखिलेश यादव जी, आइए धरातल की हकीकत को जानने का प्रयास कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों का आपको भ्रमण करवा देता हूँ, एक कम सच्चाई आपको मिलेगी। अस्पताल के बाहर बहुत ही तलख और कड़ी सच्चाई कहने जा रहा हूं, अस्पताल के बाहर मैं ऐसी बहनों को दिखा दूंगा जिनके पति, जिनकी बेटी, जिनके बेटे अस्पताल में एडमिट हैं, उनके पास दवा कराने का पैसा नहीं है। नहीं चाहिए ऐसी आजादी। मित्रों, देश की जो स्थिति है, प्रदेश की जो स्थिति है, उसे हमें और आपको समझना होगा, हमें और आपको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और आज संदीप पांडे जी के अनशन का 6वां दिन है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें विश्वास है सरकार मानेगी, या अगर यहाँ नहीं मानी तो इसके बाद हम लोग निकलेंगे और पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकलकर हर जिला और तहसील मुख्यालय पर धरना देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग और समर्थन से हम लोग हर हाल में हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार को मनवाने पर विवश कर देंगे।